तीनों के केमिस्ट्री कैसे लगे? मतलब बेस्ट टीम, तीनों हीरो ने काम अच्छा किया, बाकी हीरो ने तो कुछ काम अच्छा नहीं किया। मतलब बेस्ट टीम लाइक दिस मूवी, फॉर कॉल जोन कुछ बनाया नहीं उन्होंने, मतलब फालतू ने बस बनाया, पैसे बर्बाद किए और कुछ नहीं है। जीरो ऑल फॉर द एंड सर। व्हाट द बेस्ट टीम लाइक दिस मूवी? बेस्ट थिंग इज द एक्टिंग, लाइक द डायलॉग्स, द लाइंस। हाउ द केमिस्ट्री थ्री ऑफ देम लाइक दे आर ग्रेट। हाउ द डायरेक्टर माय इंडियन वन? What? How the director by Indra Kumar? He's great, he's great. How do 5 I'm getting for that? 3.5, 4. Thank you. How's the movie 5? Movie is good, I would rate 3 out of 5. Seems good. What's the best thing you like this movie? Ritesh Deshmukh acting and the double meaning. How the like earlier the better or the second is the better? The earlier is better. How's the chemistry you find 3 of them? Like, you know, it's good. Good roles. Everyone has done a good role. What's the between like that much and now? This is better somewhat. Some jokes are better in this, some jokes are better in that. But a must one time watch. How's the direction by Indra Kumar? Super. Super. Out of 5, how much did he play? Should be 3.5. Thank you. Thank you. It was okay, kind of. What's the best thing like this movie? Actually, movie is a one time movie. Nothing special. How did your performance go? Performance acting is good, but in the movie there is no story. Was it good before? It was good before. It was good before. It was good before. How much did you do? I'd be 1.5, 2. Thank you. How's the movie? Fine. Movie was horrible. I did not like it at all. Only vulgarity in the whole movie. No respect for Indian women. Everything was too revealing. And no humor, nothing. How's the chemistry finding? Which one acting like Vijay? Nobody was good. I mean, the level of masti's expectation completely zero. Okay, last year how am I reading for that? Zero. The movie was not so good, yeah. Just very vulgar. To watch. Okay, what's the best thing like this movie? Only the songs and some of the funny dialogues, yeah. And the double meaning and all that. All the tricks are by Indra Kumar. Indra Kumar, yeah, it was good, but as compared to the first one, I like the first one very much. Out of 5, how much did you get? I think I'll get 2. मैं बहुत फिल्म से निराश हुई। इंद्र कुमार के इश्क और दिल और मन ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई थी, एंड देन मस्ती, फिर एक थोड़ी सी ब्लैक कॉमेडी टाइप सेक्स कॉमेडी उन्होंने बनाई थी, थोड़ी हम कह सकते हैं। उसको सोच के मैं गई थी कि शायद कुछ फन फिल्म होगी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वल्गर है। मतलब पूरी फिल्म एक वल्गैरिटी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो आप कह सकते हैं कि पहली मस्ती ज्यादा अच्छी थी? बिल्कुल अच्छी थी ज्यादा, क्योंकि एटलीस्ट उसमें एक मैसेज था। मैसेज इस तरह से था कि जब एक शादी में जब आप होते हैं और जब आप एक दूसरी औरत को लेकर के या एक दूसरी सेक्सुअल आपको टेम्पटेशन आती है, तो वो कितनी गलत है या सही है, कहीं तो कुछ एक कॉमेडी के साथ में एक मैसेज देने की। इसमें उन्होंने उसी चीज को दोहराया, थॉट तो वही है, लेकिन बहुत ज्यादा फिल्म के हर डायलॉग में डबल मीनिंग और बहुत ज्यादा, मतलब फिल्म के हर फ्रेम में वो है। तीनों की विवेक आफ्ताब रितेश की केमिस्ट्री कैसे लगी? केमिस्ट्री उनकी अच्छी है, लेकिन मतलब ऐसा लगता है कि हमारे फिल्म के जो हीरो हैं, जो कि हम जिनको हम जो एक हीरो कहते हैं, उन्होंने इस तरह के कैरेक्टर क्यों लिए होंगे, उन्होंने ये रोल क्यों किया होगा। रितेश तो थोड़ी बहुत इस तरह की कॉमेडी करते हैं, लेकिन आफ्ताब भी, लेकिन ऐसा लगा कि इन रोल्स को चुनने के पीछे और इस तरह के डायलॉग डिलीवरी के पीछे पता नहीं एक्टर की क्या सोच रही होगी। डायरेक्शन बाय इंद्र कुमार इस बार कैसे रहे और सबसे अच्छे क्या लगा? मैं जैसे आपको पहले कहा कि मुझे तो इंद्र कुमार ने बहुत ज्यादा निराश किया। उन जैसे एक अच्छे डायरेक्टर से इस तरह की मतलब अश्लील कॉमेडी की हमने अपेक्षा नहीं की थी। 5 में से लास्ट से कितना मानेंगे? आई डोंट थिंक कि मैं इसको कोई स्टार दे पाऊंगी। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी इंग्लिश डिपेंड ऑन यू। क्या बताऊँ, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली रिडिक्यूलस। मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप की फिल्म बननी चाहिए। मे बी आई साउंड वेरी क्लिशे, मे बी आई मीन माई मिड 30s, आई एम मैरिड, आई हैव अ डॉटर, बट मुझे नहीं लगता ये इसको एडल्ट कॉमेडी कहते हैं। जहाँ पे मैं बहुत लोगों को कह चुकी है बात, मतलब जहाँ पे इंडिया जैसे देशों में जहाँ पे गैंग रेप होता है, जहाँ पे हम लोग एज अ वूमन, यू नो, वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी, वी टॉक अबाउट सेल्फ डिफेंस, यहाँ पे औरतों को इतनी बुरी तरीके से दिखाया गया है। यू नो, मे बी आई साउंड वेरी क्लिशेड कंजर्वेटिव, बट आई डोंट थिंक सो दिस काइंड ऑफ मूवी शुड बी मेड इन इंडिया। नहीं, सॉरी, इंद्र कुमार, मतलब मैंने खुद अपने यू नो यंग एज में, व्हेन आई वाज इन माय अर्ली 20s, मैंने इश्क देखी, मैंने मन देखा, दिल देखा, ऑफकोर्स दिल क्या फिल्म था, नो, यू नो, इट्स अबाउट आवर सन एंड हिज मदर।
तो पता नहीं उनके मतलब हम लोग डिस्कस करते शायद उनका मति भ्रम हो गया ये फिल्म बनाने से पहले. आई डोंट थिंक सो. मतलब इंद्र कुमार की हाई टाइम ही शुड स्टॉप मेकिंग फिल्म्स. तीनों की केमिस्ट्री के जापता रितेश और विवेक की बिकॉज़ अनिल मुझे तो अच्छी नहीं लगी. मतलब यू नो तीनों बहुत बहुत ज्यादा ओल्ड लगे अपने कैरेक्टर के हिसाब से. दे वेर प्लेइंग कॉलेज स्टूडेंट्स इन द फिल्म. आई मीन फर्स्ट थ्री सीन्स I was just telling to someone in the you know in the introduction scene they were teaching audience about ABC and I think it's high time they should stop teaching ABC aur jin jo matlab humne school mein jo ABC ka matlab sikha tha na wohi hona chahiye. But what the best thing you like this movie, any particular thing? To be very honest, nothing. I think I have wasted my 3 hours. Okay, lastly out of 5 how was it for that? नो स्टार. इट्स अ नो स्टार फिल्म. अगर कोई भी किसी ने भी अगर 1 स्टार भी दे दिया ना आई थिंक यू नो ही और शी शुड चेक हिज और हर ब्रेन्स.